नंबर वन पे दोस्तों हमारा है ये खूबसूरत सा येलो रोज़, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आज खिला हुआ है तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। स्प्रिंग सीजन में यानी बसंत ऋतु में कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा ये येलो रोज़। और देखिए इसमें कलियाँ भी आ रही पीछे से इस तरीके से, और भी इसमें न्यू न्यू शूट्स भी आ रही हैं, देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और तो ये भी हमारे गार्डन में खिल रहा है स्प्रिंग सीजन में। और इधर हमारा है ये सन रोज़ है, इसमें भी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो हफ्ते भर में इसमें भी फूल आना शुरू हो जाएगा। तो ये टॉल वाले सन फ्लावर हैं, छोटे साइज़ में खिलते हैं बट टॉल हो जाते हैं, लॉफ वाले नहीं हैं, सीड से इजली ग्रो हो जाते हैं, तो मैंने इनको ऐड किया हुआ है इस बार गार्डन में। तो ये भी खिलने वाले हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं कि हमारे गार्डन में ऐसे फ्लावर खिलें तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर प्लांट है जो कि अभी बसंत ऋतु में खिल रहे हैं वो है खूबसूरत सा कैलिफोर्निया पॉपी, ये भी खिल रहे हैं। एक यहाँ पे स्पेंड हो गया है और उसमें आए सीड बन रहा है शायद, और सीड अगर इसमें बनेंगे तो मैं ज़रूर सेव करके रखूँगी। इनके पेटल्स देख सकते हैं कितने बड़े में हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये ऑरेंज टच में है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और भी कलियाँ इसमें आ रही हैं इस तरीके से, और ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। और भी कलियाँ थी शायद बंदरों ने खाया होगा या कुछ क्या था, एक कली इधर भी आ रही है, तो ये भी अच्छे से ब्लूम हो रहा है हमारा जो कैलिफोर्निया पॉपी है। नेक्स्ट जो दोस्तों खिल रहा है वो है ये हमारा हॉली हॉक है, और हाइब्रिड वाले भी हॉली हॉक आते हैं, ये देसी वाले हॉली हॉक हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फ्रेंड्स अगर इस तरीके से फूल मुरझा जाते तो इनको आप ज़रूर रिमूव कर दें ताकि और भी इसमें फूल आ सके। और ये स्टोक में आते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से स्टोक में आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, और भी मतलब खिले हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पर फूल मुरझा गए हैं तो मुरझाए फूल आप ज़रूर हटा दें ताकि और भी कलियाँ जल्दी से खिल सकें। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा है वो है खूबसूरत सा हमारा आइस प्लांट, तो ये भी अभी ब्लूम हो रहा है, देख सकते हो बसंत ऋतु में अपना बिल्कुल जो स्प्रिंग सीजन होता है खूब अच्छे से ब्लूम हो रहा है। और जो नेक्स्ट हमारा ये है अभी इसमें कलियां बन रही है, तो ये है दोस्तों हमारा चेरेनियम, और ये रेड कलर की इनकी कलियाँ दिख रही है, खिलने के बाद पता चलेगा कौन सा क्या कलर पेटल्स है। और ये भी स्टेम में आएंगी, देखिए इधर भी कली आ रही है, तो ये मैं लाई थी इनको नवंबर में ही लाई थी, अब जाके इसमें ब्लूमिंग हो रही है। तो मैंने कई वीडियो में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में, हमारे यहाँ पे जो विंटर प्लांट होते हैं दोस्तों वो थोड़ा सा लेट ब्लूम करते हैं, इनकी पत्तियाँ भी देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा अच्छी लग रही देखने में। और इसमें दोस्तों अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है अगर आसपास बैठे पत्तियों को टच करो तो उंगलियों से जब हम लोग स्मेल करते हैं तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो ये चेरेनियम है, बहुत अच्छे से ब्लूम होगा कल परसों में या कल ही खिल सकता है, तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी आप लोगों के साथ में, देख लीजिएगा कौन सा क्या कलर है। तो ये भी अच्छे से ब्लूम होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों अच्छे से ब्लूम हो रहा है गार्डन में मेरे, वो है ये कोसमॉस, बहुत ही प्यारे कलर में है। लास्ट टाइम मैंने वाइट कलर में लगाया था, ये पर्पल वाइट पिंक में भी आते हैं, येलो में भी आते हैं, बट इस बार पिंक ही मेरे गार्डन में ऐड हुआ है। दो तीन पौधे थे जिसमें से कुछ ख़राब हो गए हैं, दो अभी हैं, एक में भी हो रही है, बाकी का पता नहीं कौन सा कलर क्या है, आई थिंक पिंक ही है वो भी, बट जो भी है फ्लावर अच्छे ही लग रहे हैं देखने में, बिग साइज़ में हैं दोनों ही, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और स्प्रिंग सीजन में खास करके ये खिलते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं, तो ये भी अभी हमारे गार्डन में खूब अच्छे से ब्लूम हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्वीट अलाइसम वाइट कलर का, इसमें पिंक में भी आते हैं पर्पल में भी आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं देख सकते हैं। और इनके पत्ते आप देख सकते हैं जैसे हमारा होता है एनुअल क्राइसेंथम इनके तरीके से होती है, फ्लावर इनके कुछ इस तरीके से आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, इनको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और इसमें भी आप इनको लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे हमारा जो है एनुअल क्राइसेंथम भी, ये भी अभी ब्लूम हो रहा है, इनमें येलो कलर भी आते हैं और इस तरीके से येलो वाइट सेट में भी आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से भी इस सीज़न में ब्लूम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ दोस्तों सिनेरेरिया, और इनमें दो तीन वैरायटी मेरे पास है कलर हैं, तो ये भी अभी इस सीज़न में अच्छे से ब्लूम हो रहा है, और कभी कुछ कलियाँ आ रही हैं इधर, ये ब्लू में है, ये पर्पल में है, तो ये भी ब्लूम हो रहा है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
और भी हैं कलर, ये शायद पिंक कलर का है, ये भी अभी खिले नहीं, जब खिलेंगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ब्लू, ये पिंक है। इधर हमारा दोस्तों स्टोक वाले फ्लावर्स है, ये भी आज ही ब्लूम हुए हैं, ब्लू कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनमें भी सीड बनते हैं, बस सीड मैं लास्ट टाइम नहीं कलेक्ट कर पाई थी। देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी जाएंगे नर्सरी में तो ये पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिखा दूँ, हमारा फ्लॉक्स भी खिल रहा है। तो ये दोस्तों हमारा फ्लॉक्स है, इस बार मैं फ्लॉक्स नहीं लगाई थी, फ्री में ही गार्डन में ऐड किया हुआ था, मेरे उगा हुआ था तो मैंने इसे रहने ही था। थोड़ा सा पिंकिश तो वाइट में है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये भी हैंगिंग में अच्छे लगते हैं, बट एक मतलब उगा हुआ था गमले में तो मैं ऐसे ही लगा दी। इनके भी डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटी आते हैं, तो फ़िलहाल अभी देख सकते हो ये भी खिल के एक्सपेंड हो गया है, सीड बनना शुरू हो गया है। अगर मैं इनको इस तरीके से पिंच कर देती हूँ तो आगे भी इनसे हम फ्लावर ले सकते हैं, और अभी तो खिल ही रहा है। ये भी देखिए येलो कलर का एनुअल क्रायसेंथेमम था, तो मैं यहाँ से कट करूँगी ताकि ये आगे हमसे और इनसे हम फ्लावरिंग ले सकें। इस तरीके से कलियाँ यहाँ पे आ रही, देख सकते हो गलाडिया भी खिल रहा है, अभी कलियाँ भी आ रही ढेरों सारे इस तरीके से, ये भी खिल रहे हैं। स्प्रिंग सीजन में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे हमारा ये कॉर्न फ्लावर है, ढेरों अभी फूल आ रहे हैं। तो इस तरीके से स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग ब्लूम हो रहे हैं। इधर हमारा पिटूनिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारा देख सकते हो दोस्तों, ये है एस्टर का प्लांट, ये भी ब्लूम हो रहा है। इधर वर्बीना है जो कि ब्लूम हो रहा है। हमारा विनका प्राइम रोज़ भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप लोगों के साथ केयर भी शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा मेरी गोल्ड है, ये सदाबहार वाले मेरी गोल्ड है। एक दोस्त ने बोला था कि हाँ, मेरे मतलब व्यूवर ही हैं, उन्होंने बोला था कि सदाबहार गेंदे की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे, इन्हें किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप किसी भी टाइम इनमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। बाकी सीजनल वाले प्लांट होते हैं, और सीजनल का आपको पता है गर्मी वाले अलग, सर्दियों वाले अलग होते हैं। सर्दियों वाले सर्दियों में खिलेंगे, गर्मी वाले गर्मी में खिलेंगे। तो ये वाले जो होते हैं हमेशा खिलते रहेंगे आपके गार्डन में। और ये थोड़ा सा विंटर में इनका थोड़ा सा पेटल चेंज हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग देंगे। तो इनको मैं नहीं हटाने वाली हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा शायद पानी की कमी से ऐसा कुछ हो गया है। तो गेंदे भी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं मेरे गार्डन में। दोस्तों ये थे आज के कुछ हमारे प्लांट जो कि स्प्रिंग सीजन में हमारे गार्डन में, गार्डन को रंग बिरंगा करके रखा हुआ है, और सबके गार्डन में अभी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा होगा। इस बार मैं ज़्यादा प्लांट नहीं ऐड कर पाई, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। दोस्तों अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।